हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मैं हूं मणिगोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनामिक्स। लास्ट वीडियो में जो हमने हमारा मॉड्यूल वन था वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मॉड्यूल वन जो है उसमें कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं था, ठीक है। अब जो हम पोर्शन करने वाले हैं हमारा मॉड्यूल टू, दैट इज वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर, इसमें हमारे पास थ्योरी टॉपिक्स भी होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट भी होंगे, साथ ही साथ हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इस पर करने होंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम वर्क ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है। वर्क ट्रांसफर यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम पे किया जाने वाला वर्क या सिस्टम से मिलने वाला वर्क, ठीक है, इसको कहते हैं वर्क ट्रांसफर। इसको हम और डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन क्या ये वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा या ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसको समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी को वर्क समझाते हैं तो जो वर्क की डायरेक्शन हम देते हैं दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट मिलता है उस केस में हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क यानी कि अगर कोई मैकेनिकल फोर्स लगाया जाए किसी सिस्टम पे और फोर्स के डायरेक्शन में मुझे कोई फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट मिले तो जो वर्क होगा मैकेनिकल वर्क दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल वर्क। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला हम अडॉप्ट नहीं करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में फिर वर्क क्या होगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं किसी भी चीज को जिसको हम स्टडी कर रहे हो दैट इज नोन एज सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज सिस्टम। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाला जो इमेजिनरी या फिर रियल सरफेस होता है दैट इज नोन एज सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। सिस्टम मैंने बताया था, सिस्टम आप यहां पर क्लोज सिस्टम भी हो सकता है, जो है सिस्टम वो ओपन सिस्टम भी हो सकता है। क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें कि मास ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो कि मैंने मॉड्यूल वन में कवर कर दिया, ठीक है। सो किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम जानते हैं सिस्टम होता है जिसपे हमारा फोकस होता है, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, दैट इज अ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम आपका दो तरीके से लिया जा सकता है, दो कॉन्सेप्ट है इसके, मैंने बताया है कंट्रोल मास और दूसरा कंट्रोल वॉल्यूम। अगर आप किसी पर्टिकुलर मास की स्टडी करते हो, किसी गिवन क्वांटिटी ऑफ मैटर की स्टडी करते हो, ठीक है, तो दैट इज नोन एज कंट्रोल मास, ठीक। अगर आप किसी स्पेस में किसी फाइनाइट वॉल्यूम की, किसी गिवन वॉल्यूम की आप स्टडी करते हो, आप ये वॉल्यूम इमेजिनरी भी हो सकता है, ये वॉल्यूम रियल भी हो सकता है, ठीक है। ये वॉल्यूम जिन सर्फेसेस से मिलकर बना होता है दैट इज नोन एज कंट्रोल सर्फेसेस, ठीक है, और जो वॉल्यूम है दैट इज नोन एज कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक। सो हमने ये कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच एंड कंट्रोल मास अप्रोच दोनों देखा हुआ है सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ठीक। मैंने ये भी बताया था जो कंट्रोल मास अप्रोच है दैट इज बेसिकली यूज फॉर अ क्लोज सिस्टम, एंड कंट्रोल वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है दैट इज यूज फॉर एन ओपन सिस्टम, ठीक। तो वो सब चीजें आपको याद रखनी है। सो सिस्टम है, सिस्टम के एक्सटर्नल जो भी चीज होती है हम जानते हैं उसको कहते हैं हम सराउंडिंग। एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली जो रियल या इमेजिनरी बाउंड्री होती है दैट इज नोन एज सिस्टम बाउंड्री। अब यहां पर इस केस में थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कैसे कहूंगा, अगर सिस्टम की बाउंड्री एक्सपैंड हो रही है यानी कि डिस्प्लेस हो रही है, फैल रही है या सिकुड़ रही है, ठीक है, इफ देयर इज एनी डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम बाउंड्री वर्क इज सेट टू बी डन। मतलब अगर सिस्टम की बाउंड्री या फैले या तो सिकुड़े, मैं कहूंगा उस केस में वर्क हो रहा है। ये थर्मोडायनेमिक्स में वर्क की डेफिनेशन है, जो कि इस डेफिनेशन के एनालॉगस है लेकिन डिफरेंट है। यहां पर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, लेकिन यहां पर जैसे कि मैं बोलूं ये इसकी मैं स्टडी कर रहा हूं मैकेनिक्स में, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स ये हमारा सिस्टम हो जाएगा क्योंकि इसकी मैं स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में मैं जो वर्क की बात कर रहा हूं उस वर्क में जो सिस्टम की बाउंड्री है वो डिस्प्लेस हो रही है, या तो वो फैल सकती है या तो सिकुड़ सकती है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सो इस मैनर में जो मैकेनिकल वर्क है और थर्मोडायनेमिक वर्क है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो वर्क ट्रांसफर क्या होगा, वर्क तो समझ आ गया, वर्क ये होगा कि जब भी कोई सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस होगी या तो फैल जाए या तो सिकुड़ जाए, दोनों केसेस में वर्क कहा जाएगा। सो व्हाट इज वर्क ट्रांसफर, व्हाट इज वर्क ट्रांसफर, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की बाउंड्री फैलने या सिकुड़ने से अगर मुझे वर्क मिल सकता है, अगर वर्क मुझे मिल रहा है, इन दैट केस मैं कहूंगा कि वर्क ट्रांसफर हुआ।
ठीक है, सिस्टम से जो वर्क है अगर मुझे मिल रहा है या मैं सिस्टम को वर्क दे रहा हूं तो मैं कहूंगा कि ये यहां पर वर्क ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि देखिए, जैसे ये सिस्टम फैल रहा है, ये सिस्टम का साइज पहले कम था, अब ये सिस्टम बड़ा होते जा रहा है, ठीक, तो यहाँ सिस्टम की बाउंड्री बढ़ रही है, इससे मुझे कुछ वर्क मिला, यानी अगर मैं सराउंडिंग हूँ मुझे कुछ वर्क ऑप्टेन हुआ सिस्टम के थ्रू, यानी कि सिस्टम की जो बाउंड्री थी, दिस इमेजिनरी बाउंड्री और दिस रियल बाउंड्री, इसको वर्क ने क्रॉस किया। सो व्हेन वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जब ये एनर्जी या ये वर्क सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है, दैट इज नोन एज वर्क ट्रांसफर। यहां से मुझे समझ आता है कि जो वर्क है दैट इज अ बाउंड्री फिनोमिना, ठीक है, ये सिर्फ तब ऑब्जर्व होगी जब एनर्जी जो है वो बाउंड्री को क्रॉस करे। ये भूलना नहीं हमको कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो वर्क इज अ ट्रांसफर फिनोमिना, यहां से हमको ये चीज क्लियर होती है, ठीक। अब कुछ केसेस में जैसे कि मैंने बताया कि अगर सिस्टम की बाउंड्री डिस्प्लेस हो रही है, सो उस जगह वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ये कहने के लिए जो वर्क है उसको सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा। यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं एक रिजिड नोजल का, यह नोजल है, ठीक है, ये एक नोजल है, यहां पर ये रही सिस्टम की बाउंड्री, यहां पर मैं सिस्टम की बाउंड्री लेता हूं, तो यहां पर एक एंड से फ्लूड आ रहा है, दूसरे एंड से फ्लूड जा रहा है, तो यहां पर मैंने जो रीजन लिया है, यहां पर जो मैंने सरफेस बनाया है, ये सरफेस इमेजिनरी है, और ये जो दो सरफेस हैं, ये सॉलिड वॉल है, सो दीज आर रियल सरफेस, तो दिस इज अ रियल बाउंड्री, ये रियल बाउंड्री है, और ये जो दो बाउंड्रीज हैं, ये दो, ये है इमेजिनरी, तो ये दो रियल और दो इमेजिनरी बाउंड्री से मिलकर के आपका सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि जो भी सिस्टम की बाउंड्री मैंने ले ली, यहां पर अगर कोई मैं फाइनाइट मास लूं, ठीक है, फाइनाइट अगर मैं मास लूं और इसकी स्टडी करूं, तो ये हो जाएगा मेरा सिस्टम, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा सिस्टम। अब यहां पर मुझे देखने को मिल रहा सिस्टम की बाउंड्री, जैसे जैसे फाइनाइट मास आगे जाते जाएगा अलोंग द नोजल, तो मुझे दिख रहा है कि सिस्टम की बाउंड्री जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन सिस्टम की बाउंड्री चेंज होने से मुझे कोई भी वर्क ऑप्टेन नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे कोई भी वर्क ऑप्टेन नहीं हो रहा है, सो यहां हो जाएगा वर्क ट्रांसफर जीरो। यानी कि ऐसा केस जिसमें सिस्टम बाउंड्री तो चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन वर्क ट्रांसफर नहीं मिल रहा है, वर्क ट्रांसफर जीरो है, इसको मैं कहता हूं फ्री एक्सपांशन। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसकी बाउंड्री चेंज होने पर अगर मुझे वर्क आउटपुट नहीं मिल सकता, तो ऐसे केस में मैं उस पर्टिकुलर केस को बोलूंगा कि वहां फ्री एक्सपांशन हो रहा है। जैसा कि इन केस ऑफ नोजल मुझे देखने को मिल रहा है कि अगर मैं एलिमेंट से लूं, एक पर्टिकुलर सिस्टम का मैंने बाउंड्री लिया जहां पर दो इमेजिनरी और दो रियल बाउंड्रीज थी, अब उस सिस्टम को और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करने के लिए मैंने एक एलिमेंट्री मास लिया, उसको अपना सिस्टम बनाया, ये सिस्टम आगे बढ़ता जा रहा है, तो मुझे देखने को मिला कि इस सिस्टम की बाउंड्री तो चेंज हो रही है लेकिन मुझे कोई वर्क ऑप्टेन नहीं होता है नोजल में, तो यहां पर मुझे समझ आ गया कि नोजल में जो एक्सपांशन होता है दैट इज फ्री एक्सपांशन। ये गेट में और एसएससी में या आईएएस में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वर्क आउटपुट फ्रॉम अ नोजल इज, और आपको कुछ भी वहां पर सुपरफ्लूअस डेटा दे दिया जाएगा जिससे आप कैलकुलेशंस में लग जाओ, लेकिन आपको वहां ये याद रखना है कि अगर सिस्टम की बाउंड्री चेंज हो रही है तो इस केस में ये जरूरी नहीं है कि आपको वर्क हमेशा मिलेगा, ठीक। अगर वर्क नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस को थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन किया जाता है एज अ फ्री एक्सपांशन। सो हमने देखा कि जो वर्क है वो एक बाउंड्री फिनोमिना है, यानी कि वर्क हम तब ऑब्जर्व कर सकते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स अगर वर्क किसी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा हो, यानी कि जो एनर्जी है वो जब सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रही हो, तो ऐसे फिनोमिनास को हम बाउंड्री फिनोमिनास कहेंगे, ठीक है। सिमिलरली वर्क के जैसे ही जो हीट भी है वो भी बाउंड्री फिनोमिना ही है, यानी कि हीट का जो ट्रांसफर है उसका ऑब्जर्वेशन सिर्फ तब हो सकता है जब वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रही हो, या तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आ रही हो या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जा रही हो, ठीक है। सो अब हम देखते हैं पीडीवी वर्क, ठीक है, पीडीवी वर्क देखते हैं हम के क्या होता है पीडीवी वर्क। तो पीडीवी वर्क को स्टडी करने के लिए मैं कंसिडर करता हूं एक क्लोज सिस्टम। सो पीडीवी वर्क
का पहला assumption मैंने क्या लिया, एक closed system. तो आपको हमेशा याद रखना है कि PDB work की जब भी बात की जाएगी, that is always related to a closed system. Open system के लिए ये नहीं होगा. जब हम open system देखेंगे तब उस चीज को discuss करेंगे कि open system के लिए work को कैसे describe किया जाता है. Okay? So PDB work मतलब work transfer from a closed system. PDB work और लिख सकता हूं work transfer from a closed system. Closed system. ओके ये याद रखना है. ठीक, तो मैंने एक क्लोज सिस्टम लिया, एक ऐसा पिस्टन लिया जिसपे की कोई वॉल नहीं है. ठीक है, एक ऐसा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया जिसमें कोई भी वॉल नहीं है. सो ये जो पिस्टन है ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एफ फोर्स लगा रहा है. ठीक है, एफ फोर्स लगा रहा है तो ये पिस्टन इस तरफ ट्रेवल होगा. इस तरफ ट्रेवल होगा तो इसके अंदर जो गैस है या जो भी मास है वो एक कंप्रेशन फील करेगा. ठीक, तो ये कुछ डिस्टेंस तक प्रोसीड होगा. लेट अस से दैट स्मॉल डिस्टेंस इज डी एल. एफ फोर्स लगाने से ये एक स्मॉल डिस्टेंस चल रहा है, दैट इज डी एल. इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज ए. पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज ए. अब क्या होगा, ये पिस्टन में अगर मैं कोई फाइनाइट फोर्स लगाया हूं तो ये पिस्टन तब तक अंदर जाते रहेगा जब तक कि इसके इक्वल कोई फोर्स ना आ जाए. यानी कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है या जो रिएक्शन है वो जब इसको कैंसिल कर देगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा, तब ये जाकर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा. यानी कि इधर से जो फोर्स लग रहा है दैट इज लेट अस से आर रिएक्शन. सो व्हेन आर इक्वल टू एफ सो क्या हो जाएगा, आर माइनस एफ इक्वल टू जीरो. यानी कि यहां पर हो गया समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो. तो ये आ जाएगा एक तरह के इक्विलिब्रियम में. तो ये आर यानी कि रिएक्शन फोर्स कौन देगा, रिएक्शन फोर्स देंगी यहां पर गैसेस. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो गैसेस हैं ये इस पिस्टन के जो सरफेस है उससे कोलाइड हो रही है, तो डेफिनेटली यहां पर ये जनरेट कर रही है एक पर्टिकुलर प्रेशर. यानी कि इन गैसेस का एक पर्टिकुलर प्रेशर है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्टेंस डीएल मैं मानता हूं जो प्रेशर है दैट इज पी. जब ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, मतलब पिस्टन जब यहां पर आ जाएगा एफ फोर्स लगाने के बाद, ठीक, उस समय पर उस इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर जो प्रेशर है ऑफ गैस दैट इज पी. तो जो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो रिएक्शन लगेगा आर वो क्या होगा, हम जानते हैं प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स इंटू एरिया. ये जो फोर्स लगेंगे, ठीक है, ये जो फोर्स लगेगा रिएक्शन दैट विल बी परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ पिस्टन. सो जो प्रेशर होगा दैट विल बी नॉर्मल फोर्स आर अपॉन एरिया ऑफ पिस्टन. ठीक है, सो आर विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू द एरिया ऑफ पिस्टन. ये हो जाएगा. ठीक है, सो यहां पर जो वर्क हुआ, वर्क को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, वर्क यहां पर हो जाएगा आपका डब्ल्यू. यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मैंने वर्क किया तो उसको मैं बोल सकता हूं डी डब्ल्यू. डी डब्ल्यू हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क, दैट इज एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी एल. सो दिस विल बी एफ इनटू डी एल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर आप देख सकते हैं कैसे मैं मैकेनिकल वर्क जो यहां पर मुझे मिल रहा है, क्योंकि यहां पर जो गैस के थ्रू जो भी हमको थर्मोडायनेमिक वर्क मिलेगा वो कन्वर्ट किया जाएगा मैकेनिकल वर्क में. तो यहां पर बेसिक एक रिलेशनशिप ड्रॉ हो रही है बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड द थर्मोडायनेमिक वर्क. ओके, सो देखते हैं, चलिए. सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया एफ इंटू डी एल. अब मैंने यहां से देखा, जब यहां पर इक्विलिब्रियम आया, मतलब एफ फोर्स लगाने के बाद जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई ये वाली, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, जो कि गैस लगा रहा है पिस्टन पे आर, दैट इज इक्वल टू एफ. ओके, और आर की वैल्यू मैंने निकाली पी इंटू ए, पी इंटू ए. सो डी डब्ल्यू मैं लिख सकता हूं एफ, क्योंकि एफ इक्वल टू आर है एंड आर इक्वल टू है पी इंटू ए. सो यहां से हो जाएगा पी इंटू ए इंटू डी एल. ओके, पी इंटू ए इंटू डी एल. नाउ डी एल इज द लेंथ एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. सो ए इंटू डी एल बन जाएगा जितना एलिमेंट्री डिस्टेंस हम चले हैं, उस एलिमेंट्री डिस्टेंस में पिस्टन ने जो वॉल्यूम कवर किया वो वॉल्यूम की वैल्यू होगी ए इंटू डी एल. सो डी डब्ल्यू बिकम्स पी इंटू डी वी. ओके, दिस इज द वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क फॉर द क्लोज सिस्टम. इसी को पीडी वर्क बोलते हैं. अगर ये किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम से स्टार्ट हुआ, लेट अस से प्रोसेस स्टार्ट हुआ वॉल्यूम नंबर वन पे और वॉल्यूम नंबर टू पे ये खत्म हुआ, ठीक है, वॉल्यूम नंबर वन पे स्टार्ट हुआ और वॉल्यूम नंबर टू पे खत्म हुआ, सो कंप्लीट प्रोसेस बिटवीन स्टेट नंबर वन एंड स्टेट नंबर टू, ठीक है,
उसके लिए मैं वर्क अगर निकालना चाहूँ तो मुझे इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं यहाँ देख सकता हूँ इस कंडीशन पे, क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं। ठीक, जब मैं इस फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहा हूँ, दैट इज dW = F×dL। वर्क करूंगा तो ये वर्क किस में जाएगा, ये वर्क जाएगा इसके मॉलिक्यूल्स में, गैस में ट्रांसफर होगा। जब गैस के ऊपर वर्क किया जाएगा तो जो गैस का काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो उस केसेस में जो कोलिजन है उनकी तादाद बढ़ेगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेशर अलग होगा और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेशर अलग होगा। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, दैट्स व्हाई यहाँ पर प्रेशर होगा P1, अलग अलग है, ठीक है, प्रेशर कम होगा P1, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसको कंप्रेस करते जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर हो जाएगा P2। ठीक, सो जो स्टेट नंबर 1 है वो डिफाइन हो गई। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में किसी पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए। सो यहाँ पर मुझे P1V1 एंड P2V2 दोनों पता चल गई, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पता चल गया, तो मैं उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को कंप्लीटली डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज पी प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम। ओके, तो किसी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो टोटल वर्क होगा या वर्क ट्रांसफर जो होगा, वर्क ट्रांसफर इंटीग्रेशन ऑफ dW विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। सो ये है इक्वेशन आपका PdV वर्क का। ठीक है, इसमें अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का जिस तरह से चेंज हो रहा है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का मुझे एक्सप्रेशन मालूम हो, तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए मुझे इनिशियल और फाइनल बाउंड्री कंडीशंस पता चल जाएंगी। इनिशियल लिमिट क्या है, इनिशियली वॉल्यूम क्या था, प्रेशर क्या था, वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर ये सब मुझे पता चल जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम के जो एक्सप्रेशन है उसको मैं यहाँ पुट करके उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जितना वर्क ट्रांसफर हुआ है वो मैं निकाल सकता हूँ। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क ट्रांसफर। ठीक, सो जैसा कि मैंने इस पर्टिकुलर केस में देखा, प्रेशर जो था वो प्रेशर था P1 से P2 की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम V1 से V2 की तरफ जा रहा है। सो प्रेशर 1 एट पॉइंट 1 जो प्रेशर था वो बहुत ही कम था लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, तो प्रेशर कम एंड वॉल्यूम बहुत ज्यादा। ओके, सो दिस इज द स्टेट नंबर 1, प्रेशर यहां पर कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। यहां से मैं आया फाइनल स्टेट पे, दैट इज वॉल्यूम V2 हो गया उसका V1 से, यहां पर वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ। सो किसी भी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, कोई भी एक रैंडम प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम नहीं है अभी कोई, किस किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो प्रोसेस 1-2 को फॉलो करते हुए ये जो हमारा सिस्टम था ये स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 पे आ गया। अब मैं देख रहा हूँ जो वर्क ट्रांसफर है उसका जो फॉर्मूला है दैट इज P×dV। ओके, तो इसको समझने के लिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ जिसकी थिकनेस dV है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग, वॉल्यूम एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी थिकनेस है दैट इज dV। ओके, एंड इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो प्रेशर है दैट इज pV। ओके, तो ये P×dV जो है इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एरिया बता रहा है। P इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इस एलिमेंट की हाइट है एंड जो dV है दैट इज द थिकनेस। सो इस ये अगर मैं P×dV कर दूं तो मुझे इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसी इन्फाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ हो और सबको मैं जोड़ दूं तो उसको मैं लिखूंगा एज इंटीग्रेशन ऑफ PdV, यानी कि ये जो टर्म है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ PV डायग्राम फॉर अ प्रोसेस, या इसको ऐसे बोल सकता हूँ एरिया अंडर PV डायग्राम और एरिया अंडर PV डायग्राम फॉर अ प्रोसेस। सो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था कि ये जो सिस्टम है दैट इज अ क्लोज सिस्टम, तो मैं यहां से बोलूंगा कि फॉर अ क्लोज सिस्टम द टोटल वर्क डन इन अ प्रोसेस इज इक्वल टू द एरिया अंडर PV डायग्राम। ओके, तो ये याद रखना है हमको कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर PV डायग्राम, दिस स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट फॉर अ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम के लिए ऐसा नहीं होता है। और उस केस में वर्क ट्रांसफर को कैसे डिफाइन करता है करा जाता है ये हम तब देखेंगे जब हम ओपन सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वर्क को कब पॉजिटिव लिया जाता है या वर्क को कब नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, सो
सिस्टम से अगर आपको वर्क मिल रहा हो, मतलब जो भी आपकी मशीन है, ठीक है, जो भी आपकी डिवाइस है, दैट इज योर थर्मोडायनामिक सिस्टम, अगर वो आपको वर्क दे रही है, उससे आपको पावर मिल रहा है, उससे आपको एनर्जी मिल रही है, ऐसे सिस्टम के केस में जो वर्क होगा, वर्क ट्रांसफर, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव वर्क, यानी कि जब हमको सिस्टम से वर्क मिलेगा तो हम उस वर्क को लेंगे पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हमको सिस्टम पे वर्क करना पड़े, ठीक है, तो उस केस में हम इस वर्क को लेंगे निगेटिव। ठीक, तो अब पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क को समझते हैं और डिटेल में। ठीक है, पॉजिटिव वर्क को हम डिस्क्राइब करते हैं एज एन एक्सपांशन वर्क, एक्सपांशन वर्क, ठीक है, और यहां होता है कंप्रेशन। मतलब समझते हैं अब इसका, सिस्टम अगर पॉजिटिव वर्क दे रहा है तो डेफिनेटली जो उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो फैल रही होंगी। ठीक है, सिस्टम जो है वो एक्सपांड हो रहा होगा। जैसे कि टरबाइन की हम बात करते हैं, सिमिलरली किसी भी पावर प्लांट में हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं टरबाइन। टरबाइन क्या करता है, टरबाइन हाई प्रेशर में स्टीम जो होती है, वाटर वेपर जो होता है, उस हाई प्रेशर वाटर वेपर को वो एक्सपांड करता है। ठीक है, उसको फैलाता है और उससे वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करता है, जिससे टरबाइन रोटेट होता है। फिर ये जो टरबाइन है वो एक जनरेटर को चलाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, सो यहां पर हमको वर्क मिला, और वर्क क्यों मिला, क्योंकि जो हाईली प्रेशराइज्ड, जो कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टीम थी जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था, उसको जब हमने एक्सपांड किया, यानी उस सिस्टम की बाउंड्री को जब फैलाया गया, तब हमें वर्क मिला। और जब जब भी वर्क हमको सिस्टम से मिलता है, उस केस में हम वर्क को पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। ठीक है, सो जो एक्सपांशन वर्क है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, सिमिलरली कंप्रेशन वर्क, कंप्रेशन हम जानते हैं, कंप्रेसर, जो एयर कंप्रेसर हम यूज करते हैं या हम पंप यूज करते हैं, ठीक, उस केस में क्या किया जाता है, उस केस में हम किसी पर्टिकुलर मास को, किसी फाइनाइट मास को हम कंप्रेस करते हैं, उसका वॉल्यूम रिड्यूस करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ताकि हम उसको हाई एल्टीट्यूड तक उसको हम उसको पहुंचा सके। ठीक है, या अगर हमको हाई प्रेशराइज्ड एयर की जरूरत होती है तो उस केस में हम एयर कंप्रेसर यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सारे कंडीशन में आप देखते होंगे जो पंप होता है या कंप्रेसर होता है, इसको ऑपरेट करने के लिए हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी पड़ती है, जिससे कि एक मोटर रन होता है, फिर ये मोटर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को या फिर एक रोटर अरेंजमेंट को चलाता है, जो कि उस एयर की प्रेशर को इंक्रीज करता है या उस लिक्विड की प्रेशर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने किसी फाइनाइट क्वांटिटी पर, यानी हमारे सिस्टम पे वर्क किया, हमारे तरफ से एनर्जी दी गई किसको, सिस्टम को। तो इस केस में क्या होता है, जो उसका साइज होता है सिस्टम का, वो रिड्यूस होता है, यानी कि जो सिस्टम की बाउंड्रीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, और ऐसे केस में जब सिस्टम की बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो उसको ये समझ आ जाता है कि जो सिस्टम है उस पर वर्क किया जा रहा है, सिस्टम से वर्क नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमको याद रखना है, कभी भी पॉजिटिव वर्क यानी कि एक्सपांशन वर्क, निगेटिव वर्क यानी कि कंप्रेशन वर्क, सिस्टम की बाउंड्री जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही होगी तो वहां पर आपका निगेटिव होगा वर्क, सिस्टम की बाउंड्री जब एक्सपांड हो रही होगी उस समय वर्क पॉजिटिव हो रहा होगा। दूसरे तरीके से, जैसे मैंने बताया कि सिस्टम से वर्क मिल रहा होगा तो पॉजिटिव, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा होगा तो निगेटिव। तो ये वर्क के लिए साइन कन्वेंशन है। अब हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए किस किस तरह से हमको वर्क ट्रांसफर मिलता है। सो हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, किसी एक स्टेट पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, ये हम तब बता सकते हैं जब उसके लिए एटलीस्ट कोई दो प्रॉपर्टीज नोन हो। तो यहां पर मैं वो प्रॉपर्टीज ले रहा हूं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो मैंने फिलहाल प्रेशर और वॉल्यूम के बीच एक कर्व प्लॉट किया है। इस पर्टिकुलर स्टेट पे जो प्रेशर है दैट इज P1 और उसका वॉल्यूम जो है दैट इज V1, तो मैं पॉइंट नंबर 1 की स्टेट को डिफाइन कर सकता हूं। नेक्स्ट, मैं चाहता हूं इसकी फाइनल स्टेट कुछ और हो, तो मैं बोलता हूं फाइनल स्टेट पे जो वॉल्यूम है दैट इज V2 एंड प्रेशर इज P2। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसका सेकंड स्टेट डिफाइन कर लिया, सो दिस इज स्टेट नंबर 1 एंड स्टेट नंबर 2। अब अगर स्टेट नंबर 1 और 2 से, स्टेट नंबर 1 से मैं स्टेट नंबर 2 तक अगर नंबर ऑफ स्टेट्स से होकर के गुजरता हूं, नंबर, और यहां ये जो चेंज है स्टेट्स में,
दिस इज सक्सेसिव, धीरे 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 आपका स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है। और ये जो नंबर ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स है, इसको मैं किसी प्रिसाइज पाथ से अगर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ प्रोसेस। ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। सो कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट को अगर मैं किसी पर्टिकुलर लाइन से अगर डिनोट कर सकूं तो मैं कहता हूं कि वन से टू में किसी पर्टिकुलर प्रोसेस से होकर के गुजरा हूं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जिस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द पाथ, ठीक है। तो ये पाथ जो है ये नंबर ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स से मिलकर के बना हुआ होता है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस। अगर वन से टू मैं किसी एक पाथ से जा सकता हूं और टू से वन वापस मैं उसी पाथ से आ सकता हूं, सो दैट इज अ रिवर्सिबल पाथ, और ये जो प्रोसेस है दैट विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सो आई थिंक आपको पाथ समझ आ गया, यानी कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स है उससे गुजरने वाली एक इमेजिनरी लाइन, अगर ये चेंज ऑफ स्टेट आपका सक्सेसिव हो और कंटिन्यूअस हो, ठीक है, तो उस केस में मैं इस नंबर ऑफ स्टेट्स से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, एंड दैट विल रिप्रेजेंट अ पाथ, और ये जो इनिशियल से फाइनल स्टेट तक के इस पाथ को होते हुए जब मैं जाऊंगा तो इसे मैं कहूंगा कि एक प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस के थ्रू मैं स्टेट नंबर वन से स्टेट नंबर टू तक गया हूं। सिमिलरली अगर स्टेट नंबर वन से स्टेट नंबर टू तक मैं इस पर्टिकुलर पाथ से होकर गया और स्टेट टू से उसी पाथ से होते हुए मैं स्टेट नंबर वन तक आ गया, तो इस पाथ को मैं रिवर्सिबल पाथ कहता हूं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर मैं एक रिवर्सिबल पाथ कंसिडर किया हूं बिटवीन स्टेट नंबर वन एंड स्टेट नंबर टू। अब यहां स्टेट नंबर वन और टू तक जाने के नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। ये देखिए, ये दूसरा पाथ है, कोई लेटर से दिस इज पाथ ए, दिस इज पाथ बी, ओके। नाउ मैं अगर यहां पर एक एलिमेंट लू, इसकी विड्थ है आपकी dv, इसकी हाइट है यहां पर सपोज लेट अस से p, देन सेकेंड पाथ पर मैं एक एलिमेंट लू, इसकी हाइट है p डैश एंड इसकी जो थिकनेस है डैट इज dv डैश। नाउ मैं जानता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ p dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ p डैश dv डैश, ये जो है ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर कर्व। अब जो इंटीग्रेशन ऑफ p dv है, that will represent the area under curve B, and integration of P dash dV dash, it will represent the area under curve A. So let us write, it is WB and it is WA. So मैं जानता हूं कि area under PV diagram represents the work done for a closed system. तो ये मैंने अभी क्या लिया है, closed system लिया हुआ है। So यहां पर देख सकता हूं मैं कि WB और WA की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, क्योंकि एरिया अंडर कर्व A डिफरेंट है एरिया अंडर कर्व B के, ठीक है, ये दोनों जो एरियाज हैं वो डिफरेंट है। तो यहां पर मुझे ऑब्जर्व हुआ कि जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर किसी दो स्टेट के बीच में किसी दूसरे प्रोसेस से जाऊं तो वर्क डिफरेंट मिलेगा, उन्हीं दो स्टेट के बीच किसी तीसरे प्रोसेस से जाऊं मैं तो वर्क डिफरेंट मिलेगा, यानी कि किस तरीके का प्रोसेस मैं फॉलो कर रहा हूं, यानी किस तरीके का पाथ मैं फॉलो कर रहा हूं दो स्टेट्स के बीच पे, इस पे डिपेंड करता है कि वर्क ट्रांसफर कितना होगा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई कैन कंक्लूड कि जो वर्क है दैट इज अ पाथ फंक्शन, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब मैं देखता हूं PDV वर्क फॉर वेरियस रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये रिवर्सिबल के लिए तो वैलिड है ही, साथ ही साथ ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस के लिए भी वैलिड है, ठीक है। मैंने बताया था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ऑलमोस्ट रिवर्सिबल बट इट इज नॉट कंप्लीटली रिवर्सिबल, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रोसेस हमारा, दैट इज कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि जो प्रेशर होगा दैट विल बिकम कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्रेशर विल बिकम कॉन्स्टेंट। सो अब इस प्रोसेस के लिए मैं अगर पीवी डायग्राम बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, जैसा कि मैंने कहा प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम, चाहे कोई भी वॉल्यूम हो सिस्टम का, आपका जो प्रेशर होगा सिस्टम का वो हमेशा सेम होगा, यानी कि स्टेट वन पे जो प्रेशर है वही प्रेशर स्टेट नंबर टू पर भी होगा, एंड थ्रू आउट द प्रोसेस जो
प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि स्टेट नंबर वन से स्टेट नंबर टू के बीच जो प्रेशर है दैट इज चेंजिंग। देखिए हर एक स्टेट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर अलग अलग है। सो इफ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट सो डेफिनेटली जो लाइन होगी जो पाथ होगा डैट विल बी हॉरिजोंटल, यानी कि परपेंडिकुलर टू पी एक्सिस ये होगा। सो दिस रिप्रेजेंट एन आइसोबारिक पाथ, दिस इज एन आइसोबारिक पाथ ठीक है। सो स्टेट वन से स्टेट टू में एक आइसोबारिक पाथ के थ्रू गया। यहां पर जो वॉल्यूम है स्टेट वन पे दैट इज वी वन, स्टेट नंबर टू पे जो वॉल्यूम है दैट इज वी टू। ठीक, अब इसके लिए अगर मैं वर्क निकालना चाहूं तो मैं जानता हूं इट इज अ क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर पीवी डायग्राम। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू लेट अस से पी है, ठीक है, और ये जो एरिया है दैट इज द रेक्टेंगल। ओके, तो मैं जानता हूं किसी भी पाथ के लिए, किसी भी रिवर्सिबल पाथ के लिए W इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ओके, नाउ प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सो W विल बिकम P इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी दैट इज V। लिमिट्स क्या क्या है हमारे पास, लिमिट्स है हमारे पास हमारा सिस्टम जा रहा है आपका V1 से V2, सो लोअर लिमिट विल बी V1 एंड अपर लिमिट विल बी V2। ओके, सो V1 टू V2, सो ये आ जाएगा P इंटू V2 माइनस V1। So this is the work done in an isobaric process, या फिर इसको कहते हैं constant pressure process। अब देखते हैं next process, second process है आपका constant volume process। Okay, constant volume process, constant volume process। इसका एक और नाम है, it is also known as isochoric process। आइसोकोरिक प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, यानी कि जो वॉल्यूम है V दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सो सेम मैं इस प्रोसेस के लिए भी पीवी डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होगा, कोई भी सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो स्टेट नंबर वन का वॉल्यूम और स्टेट नंबर टू का वॉल्यूम सेम होगा ही, साथ ही साथ जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स है सभी का वॉल्यूम भी सेम होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का मतलब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द प्रोसेस ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि वन से टू तक कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो मैं ऐसा कोई पाथ ड्रॉ नहीं कर सकता, कोई ऐसा पाथ ड्रॉ नहीं कर सकता। ये होगा कैसा, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड बोल सकता हूं मैं। ठीक है, सो आप आइसोकोरिक पाथ, दिस इज अ आइसोकोरिक पाथ इज परपेंडिकुलर टू द वी एक्सिस, ये याद रखना है आपको। ठीक है, सो जब कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो उसके लिए मैं क्या ड्रॉ करूंगा, हमेशा एक आइसोकोरिक पाथ ड्रॉ करूंगा एंड दैट विल बी पैरेलल टू पी एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वी एक्सिस। अब क्योंकि ये एक लाइन है, इट इज जस्ट एन लाइन, ठीक, तो अब इसके लिए वर्क ट्रांसफर क्या होगा। ठीक है, इसके लिए वर्क ट्रांसफर देखता हूँ। वर्क ट्रांसफर किसी भी क्लोज वॉल्यूम के लिए लिख सकता हूँ W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। पी वेरी कर रहा है, डेफिनेटली पी वेरी कर रहा है, लेट अस से पी वन से पी टू जा रहा है। ठीक, यहाँ कांस्टेंट कौन हो गया, डीवी वी आपका कांस्टेंट है, तो डीवी क्या होगा, एज वी इक्वल टू कांस्टेंट सो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू व्हाट, जीरो। ओके, जो आपका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है तो डीवी क्या होगा, डेफिनेटली जीरो होगा, और क्योंकि डीवी जीरो है तो यहां से आंसर क्या मिलेगा, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कि किसी आइसोकोरिक या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर जीरो होता है, वर्क डन जीरो होता है। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं दूसरी तरह से कि फॉर एन आइसोकोरिक पाथ एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज जीरो। ठीक, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जी हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, अगर मैं ये बोलूं कि जो मेरा सिस्टम है, ठीक है, दैट इज अ क्लोज सिस्टम, सो दिस स्टेटमेंट दैट इज एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज जीरो फॉर अ आइसोकोरिक प्रोसेस, ये सिर्फ तब करेक्ट है जबकि मेरा सिस्टम एक क्लोज सिस्टम हो। ठीक है, ओपन सिस्टम के लिए पहली बात वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर पीवी डायग्राम
हो तो होता है, लेकिन जो एरिया होता है उसको हम वी एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, उसको हम पी एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं ये जब हम ओपन सिस्टम पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए फॉर अ क्लोज सिस्टम एरिया अंडर पी डायग्राम इज जीरो फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो अब हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में प्रोसीड करने से पहले मैं एक रिवीजन आपको करवाना चाहूंगा आइडियल गैस इक्वेशन का, जिसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस भी बोलते हैं। सो व्हाट इज एन इक्वेशन ऑफ स्टेट? इक्वेशन ऑफ स्टेट ऐसे किसी भी इक्वेशन को कहा जा सकता है जो इक्वेशन प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीन चीजों को आपस में रिलेट करता है किसी भी सब्सटेंस के लिए, ऐसे इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। सिमिलरली ऐसा इक्वेशन जो किसी आइडियल गैस के लिए प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को रिलेट करेगा, ऐसे इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस कहेंगे, ठीक है। सो फॉर एन आइडियल गैस मैं जानता हूं पी वी इज इक्वल टू आर टी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम, आर इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि वो टेम्परेचर जो कि केल्विन स्केल में नापा गया है। मैंने अभी कुछ देर लास्ट वीडियो में बताया था कि जो केल्विन स्केल होता है उसमें जो रेफरेंस है जिसके रिस्पेक्ट में हम सारे टेम्परेचर नापते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दैट्स वाई इसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं या फिर थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहते हैं जब हम टेम्परेचर को केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। सो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस, ठीक। सो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो मैंने बताया वहां पर टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट होगा, दैट्स इसको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी कहते हैं। सो टी इज बिकम कांस्टेंट, टी इज नाउ कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज आर? मैंने बताया आर होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, आर होता है आर नॉट अपॉन म्यू, वेयर आर नॉट जो है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड जो म्यू है दैट इज द एटॉमिक मास, ठीक है। आर नॉट की वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर नॉट। इसको अगर आप किसी भी गैस के लिए निकालना चाहो तो आपको बस इतना करना है कि उस गैस का एटॉमिक मास निकाल लो, उसकी वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो, तो आपको उस पर्टिकुलर गैस के लिए आर की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दी आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ जैसे मैंने बताया कि टी कॉन्स्टेंट है फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो जो आपका राइट हैंड साइड है वहां आर तो कॉन्स्टेंट है ही, टी भी कॉन्स्टेंट हो गया। सो मैं लिख सकता हूं फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके। पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैं लिख सकता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। सो कोई भी गैस जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही होगी वो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, ठीक है। और याद रखना है क्योंकि ये जो रिलेशन ड्रॉ किया गया पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट हैज डिराइव्ड फ्रॉम एन आइडियल गैस, आइडियल गैस इक्वेशन से आया हुआ है ये, तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ गैस फॉलो करेगी, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के लिए इस इक्वेशन की जो स्टडी है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से की जाती है, ठीक है। हम उसको हाइपरबोलिक इक्वेशन बोलते हैं जब हम किसी प्योर सब्सटेंस के लिए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। प्योर सब्सटेंस मैं बता चुका हूँ, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट अ गिवन वॉल्यूम सेम होता है, दैट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सब्सटेंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट दी आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला। तो मैं आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करता हूँ, तो मैं सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ पी वी एक्सिस, ठीक है। जो स्टेट नंबर वन है उस पर जो प्रेशर है दैट इज पी वन एंड जो वॉल्यूम है दैट इज वी वन, ये किसी आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल पाथ बोल सकता हूँ, ठीक है, उसके थ्रू जा रहा है स्टेट नंबर टू पे, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए जिस पाथ को फॉलो करेंगे दैट इज नोन एज आइसोथर्मल पाथ,
तो ये जो कर्व बन रहा है या जो लाइन बन रही है या ये जो भी आपका कर्व बन रहा है इसका इक्वेशन होगा पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये पाथ इस इक्वेशन को पर्टिकुलरली फॉलो कर रहा है। ठीक, सो स्टेट नंबर टू पे जो वॉल्यूम है दैट इज वी टू एंड जो प्रेशर है दैट इज पी टू। ठीक, सो अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, इस पर्टिकुलर पाथ के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँ दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, तो मुझे मिल जाएगा वर्क ट्रांसफर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब क्योंकि मैंने देखा फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो स्टेट नंबर वन पे और जो स्टेट नंबर टू पे प्रेशर एंड वॉल्यूम्स हैं उनके बीच ये रिलेशन होगा दैट इज पी वन वी वन विल बी इक्वल टू पी टू वी टू। ठीक है, तो इस तरह से पी वन वी वन हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। पी वन और वी वन का जो यानी पी और वी का यानी कि प्रेशर और स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो क्योंकि पी वी कॉन्स्टेंट है तो मैं किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे अगर वॉल्यूम वी है और वहाँ पर प्रेशर पी है तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि पी वी का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कॉन्स्टेंट है, दैट्स वाई लिख सकता हूँ पी वी इक्वल टू पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। ओके, सो इस रिलेशनशिप से मैं लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू पी वन वी वन बाई वी। अब मैं जानता हूँ जो वर्क ट्रांसफर है डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, तो यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की जगह आ जाएगा पी वन वी वन बाई वी इंटू डी वी, क्योंकि पी वन वी वन कॉन्स्टेंट है, दैट्स वाई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, सो जाएगा पी वन वी वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई वी। नाउ हम देख रहे हैं जो हमारा प्रोसेस है वो वन से टू की तरफ जा रहा है, तो जो हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी दैट इज फ्रॉम वी वन टू वी टू। ओके, फ्रॉम वी वन टू वी टू दिस इज द लिमिट्स। सो नाउ वन बाई सॉरी डी वी बाई वी का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी लॉग वी, सो दिस विल बी पी वन वी वन एल एन वी। ओके, लिमिट्स है आपकी वी वन से वी टू, सो ये जाएगा पी वन वी वन एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, log m माइनस log n दैट इज log m अपॉन n, सो w यानी कि वर्क ट्रांसफर फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस आ रहा है p1 v1 ln v2 by v1, बाई वी वन, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क ट्रांसफर इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सिमिलरली मैं देख सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि p1 v1 इक्वल टू p2 v2 है, तो यहाँ से v2 by v1 आ जाएगा p1 by p2 for an isothermal process। तो यहाँ जो v2 by v1 है उसको मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ w is equal to p1 v1 ln p1 by p2। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क ट्रांसफर इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस उन प्रोसेसेस को कहते हैं जो कि इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं दैट इज पी इंटू वी रेस टू पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस इक्वेशन को फॉलो करने वाले किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर P और V रेस्ट टू पावर n का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो मैं यहाँ पर एक कोई प्रोसेस एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये फॉलो कर रहा है एक पॉलीट्रॉपिक पाथ। पॉलीट्रॉपिक पाथ यहाँ पर n की वैल्यू हो सकती है आपकी जीरो से इन्फिनिटी के बीच में। ओके, सो वैल्यू ऑफ n इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, सो दिस इज द रेंज ऑफ और द वैल्यू ऑफ n। किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो n होता है वो जीरो के से बड़ा या उसके बराबर लेकिन इन्फाइनाइट से छोटा या उसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। सो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास प्रोसेस किसी स्टेट नंबर वन और स्टेट नंबर टू के बीच हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ पी वन वी वन रेस्ट टू पावर एन इक्वल टू पी टू वी टू रेस्ट टू पावर एन, सो दिस विल बी ट्रू फॉर एन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कोई बीच का कोई स्टेट लेता हूँ, ठीक है, इस इंटरमीडिएट स्टेट पे जो प्रेशर जो वॉल्यूम है दैट इज वी एंड जो प्रेशर है दैट इज पी। ओके, सो यहां से लिख सकता हूं वह पी वी रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू पी वन वी वन रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू पी टू वी टू रेस्ट टू पावर एन। ओके, नाउ मैं यहां से लिख सकता हूं प्रेशर को पी को पी वन वी वन रेस्ट टू पावर एन अपॉन वी रेस्ट टू पावर एन। ओके, नाउ मैं जानता हूँ इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है किसी क्लोज सिस्टम में, सो द एरिया विल बी इक्वल टू द एरिया अंडर पी वी डायग्राम। ओके, सो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। नाउ जो पी की वैल्यू है वो मैं इस इक्वेशन से पुट करता हूँ यहाँ पर, और देखिए ये जो प्रोसेस है ये स्टेट नंबर वन से स्टेट नंबर टू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, सो जो लिमिट इंटीग्रेशन की दैट विल बी वी वन टू वी टू। ओके, सो इंटीग्रेट करता हूँ इस इक्वेशन को मैं
तो मिलेगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम वी वन टू वी टू. नाउ P की जो वैल्यू है दैट इज P1 V1 रेस्ट टू पावर n अपॉन V रेस्ट टू पावर n, वो पुट कर देता हूँ P1 V1 रेस्ट टू पावर n अपॉन V रेस्ट टू पावर n इनटू dV. नाउ मैं जानता हूँ फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो P V रेस्ट टू पावर n है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट्स वाई P1 V1 रेस्ट टू पावर n भी कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बी W इक्वल टू P1 V1 रेस्ट टू पावर n इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 dV अपॉन V रेस्ट टू पावर n. तो इसको लिख सकता हूँ P1 V1 रेस्ट टू पावर n इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 V रेस्ट टू पावर माइनस n इंटू dV. इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो हो जाएगा P1 V1 रेस्ट टू पावर V1 रेस्ट टू पावर n, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा V1 रेस्ट टू पावर n प्लस माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1. लिमिट्स हैं इसकी V1 टू V2. इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है वर्क फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वर्क ट्रांसफर फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दैट इज P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क ट्रांसफर इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. नेक्स्ट मैं देखता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस. ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो सकता है? देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस तब कहा जाएगा जब वो इस लॉ में जो n है दैट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो n की वैल्यू है दैट बिकम्स इक्वल टू गामा. ओके, व्हाट इज गामा? गामा होता है Cp बाई Cv. व्हाट इज Cp? Cp इज द स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसको हम और डिटेल में देखेंगे बट फिलहाल के लिए इतना जानना हमारे लिए काफी है दैट गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ओके एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम. तो फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस जो लॉ होगा पॉलीट्रॉपिक का दैट विल बिकम पी वी रेस्ट टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो ऐसा प्रोसेस जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा दैट इज पी वी रेस्ट टू पावर गामा इज कॉन्स्टेंट, उस प्रोसेस को मैं बोलूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होता है वो जीरो होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे बट फिलहाल के लिए हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर क्या होगा क्योंकि एन की जगह अब आ गया है गामा. सो जो फॉर्मूला होता है फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस उसके हेल्प से लिख सकता हूँ वर्क ट्रांसफर फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन गामा माइनस वन. ओके, सो दिस विल बी दी फॉर्मूला फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. अब देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है. एडियाबैटिक प्रोसेस किन्हीं एडियाबैटिक वॉल्स के बीच में एग्जीक्यूट किया जाता है. देखिए पहली बात, हमारा जो अभी स्टडी चल रहा है, जो सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए, ये किसी क्लोज सिस्टम के लिए है. ठीक है, अगर वो क्लोज सिस्टम ऐसी बाउंड्रीज से घिरा हो जो कि एडियाबैटिक हैं, एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक वॉल किसे कहते हैं? एडियाबैटिक वॉल से घिर करके अगर सिस्टम बना हो तो उसको कहेंगे हम एडियाबैटिक सिस्टम. और उसके लिए जो वर्क ट्रांसफर होगा है ना वो होगा एक एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू. ठीक, अब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, मैंने देखा एडियाबैटिक वॉल्स के बीच में. व्हाट इज एडियाबैटिक वॉल? ऐसा वॉल जो कि हीट ट्रांसफर परमिट नहीं करता, यानी कि इस जो हीट है वो इस वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती. ठीक, तो अगर कोई सिस्टम एडियाबैटिक वॉल से मिलकर के बना होगा तो उस केस में जो हीट एनर्जी है दैट कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री. ठीक है, अब एडियाबैटिक वॉल दो तरीके की हो सकती है. एक तो हो सकती है ये फिक्स, अगर एडियाबैटिक वॉल की बात करूं तो एडियाबैटिक वॉल दो तरह की हो सकती है. एक तो हो सकती है फिक्स और दूसरी हो सकती है मूवेबल. ठीक है, मूवेबल. तो अगर ये फिक्स है तो क्या होगा? अगर ये मूवेबल नहीं है, टोटली फिक्स है, मतलब कोई सिस्टम कुछ इस तरह से बना हो, जितनी भी वॉल्स हैं ये सारी एडियाबैटिक हैं, सारी एडियाबैटिक हैं और सारी फिक्स हैं. सो ये सारे जो चार सर्फेसेस हैं इस सिस्टम में ये कैसे हैं? एडियाबैटिक हैं और फिक्स हैं, यानी कि दे कैन नॉट मूव. तो चाहे अंदर प्रेशर कितना भी आप बढ़ा दो, ठीक है, इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा. सो दिस एडियाबैटिक सिस्टम
बिकम्स अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सिस्टम एज वेल, यानी कि सिस्टम एडियाबैटिक तो है ही है, यानी कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर वर्क ट्रांसफर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके जो वॉल्स हैं, यानी जो भी इसकी सरफेस है सिस्टम के, ठीक है, जो बाउंड्री बना रही है, जो आपकी रियल बाउंड्री बन रही है विद द हेल्प ऑफ दिस एडियाबैटिक वॉल, दैट इज फिक्स. सो सिस्टम की बाउंड्री जो है वो मूव नहीं कर सकती, और क्योंकि सिस्टम की बाउंड्री मूव नहीं कर सकती तो यहाँ पर जो वर्क डन मिलेगा या वर्क ट्रांसफर मिलेगा दैट विल बी जीरो. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सो फॉर एन एडियाबैटिक वॉल विच इज फिक्स, या इसको बोल सकते हैं हम रिजिड एडियाबैटिक वॉल के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, ठीक है. तो रिजिड एडियाबैटिक वॉल के केस में हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों जीरो हो जाएगा. यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर ऐसा केस मैं बोल रहा हूँ, सो ईच एंड एवरी वॉल्स या ईच एंड एवरी बाउंड्री जो सिस्टम को जनरेट कर रही है, जिससे मैं सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहा हूँ, वो सारे के सारे एडियाबैटिक एंड रिजिड होने चाहिए. अगर आप यहाँ एग्जाम्पल देंगे कुछ इस तरह का, लाइक कि एक पिस्टन है जो तीन तरफ से रिजिड एडियाबैटिक वॉल से घिरा है, लेकिन उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो पिस्टन वाला जो सरफेस है, मतलब ये जो तीन सरफेस है जो कि बाउंड्री बना रही है, वो तो फिक्स है, लेकिन जो चौथा सरफेस है जो कि बाउंड्री को कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज मूवेबल. इन दैट केस आपका जो सरफेस है, ठीक है, वहां से, यानी कि बाउंड्री की जो सरफेस बाउंड्री है, वहां से आपका वर्क ट्रांसफर होगा, वहां वर्क ट्रांसफर जीरो नहीं होगा. इन तीन सरफेस पे आपको वर्क नहीं मिल सकता, और क्योंकि ये एडियाबैटिक है इसलिए यहां से हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा. तो ये तीन सरफेस से आपको हीट ट्रांसफर क्या मिलेगा, जीरो. लेकिन इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपको वर्क ट्रांसफर जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पिस्टन जो है वो मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको वर्क ट्रांसफर मिलेगा, ठीक. सो एडियाबैटिक वॉल अगर मूवेबल है तो वहां पर आपको वर्क ट्रांसफर मिलेगा. इस केस में, ऐसे केसेस जितने भी हम लोग आगे डील करेंगे, उसमें जनरली क्या किया जाएगा, जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है उसमें हीट ट्रांसफर बाय द सरफेस ऑफ पिस्टन इज नेग्लेक्टेड, ये कहा जाएगा. यानी कि क्वेश्चन में बोल देगा आपको कि ये जो पिस्टन है, पिस्टन के सरफेस से हीट ट्रांसफर जीरो हो रहा है, तो बेसिकली उसने क्या किया कि यहां से जो हीट ट्रांसफर है उसको नेग्लेक्ट कर दिया. ये मान लिया कि ये जो पिस्टन है दैट इज नॉट ट्रांसफरिंग एनी सॉर्ट ऑफ हीट, तो इसको मैं मान लेता हूं एडियाबैटिक, और क्योंकि पिस्टन मूव कर सकता है सो इसको मैं बोलूंगा मूवेबल एडियाबैटिक वॉल, ओके. और वहां पर आपको वर्क ट्रांसफर मिलेगा, सो दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक. उसके बाद होती है डाइथर्मिक वॉल, डाइथर्मिक वॉल ऐसे वॉल को कहते हैं जिसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है. सो आई होप आपको एडियाबैटिक वॉल एंड डाइथर्मिक वॉल क्लियर हो गया होगा. आपको एडियाबैटिक वॉल का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि न्यूमेरिकल्स में इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, वो भी आपको क्लियर हुआ हो गया होगा. सो आज हमने देख लिया कि डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए फॉर अ क्लोज सिस्टम वर्क ट्रांसफर क्या क्या होता है. सो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, आपको वर्क का जो फिनोमिना है वो अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है. मैंने जो आपको एडियाबैटिक वॉल एंड एडियाबैटिक वॉल्स के जो टाइप्स बताए, आपको जो डाइथर्मिक वॉल बताया, वो सारे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है. अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नीचे बने बेल आइकन के सिंबल को जरूर दबाइए. मेरे और मेरे गेट अकेडमी प्लस टीम की तरफ से आप सभी को थैंक यू.